जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने मौर्य काल देखा था। अब हम मौर्य काल के बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट वंश थे उनके बारे में एमसीक्यू जानेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी, यानी सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वे पुष्यमित्र सुंग थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज कैरेक्टराइज बाई इट्स मेट्रोनी मिक्स, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश था जो अपनी माँ के नाम से जो है पुकारा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले, मतलब नाम के पहले जो है उसकी माँ का नाम पुकारा जाता था, तो ये आपका सातवाहन वंश है। नेक्स्ट है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क का राज्य कौन सा था? तो वो था आपका पुरुषपुर। चक्रवाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ चरक, सॉरी, तो चरक जो है कौन सा चर्चित दरबारी चिकित्सक था, किसका ये दरबारी चिकित्सक था? तो ये आपका कनिष्क का था। नेक्स्ट है, विच चाइनीज जनरल डिफिटेड कनिष्क, यानी निम्नलिखित में से कौन सा चाइनीज सेनापति है जो कनिष्क को हराया था? तो वो हो गया पांचाओ। हु वाज कॉल्ड बिंद अधिपति, बिंद अधिपति किसे कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सत्कर्णी को कहा जाता है। अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट, ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके कार्यकाल के समय, उसके शासन के समय में, तो कहाँ हुई थी? तो काश्मीर के कुंडलवन में। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, यानी कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुजुल कडफिसिस। नेक्स्ट है, विजयपुरी द कैपिटल ऑफ इक्ष्वाकुश इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो विजयपुरी किसका है? इक्ष्वाकुश का राज्य है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था? तो ये नागार्जुन कोंडा सी। नेक्स्ट है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सतवाहनावाज, सतवाहन का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था? तो वो प्रकृत। नेक्स्ट है, द ग्रीक इन्वॉय हेलियोडोरस ऑफ द बेशनगर इंस्क्रिप्शन वॉज सेंट बाय द इंडो ग्रीक रूलर, यानी कि जो इंडो ग्रीक शासक थे, ठीक है, उनके द्वारा ग्रीक का जो दूत था हेलियोडोरस, बेशनगर का दूत हेलियोडोरस को जो है एक अभिलेख भेजा गया था, वो कौन सा था? तो आपका जो आपका आंसर हो गया 86 का आपका आंसर हो गया सी, यानी एंटियल साइडस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच गॉड इज डिपिक्टेड ऑन द योद्धे कॉइंस, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भगवान थे जिसको योद्धे युद्ध वाला जो सिक्का होता था, योद्धे सिक्का जो होता था, उस पर उस चीज़ को चित्रित किया गया है? तो 87 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्तिकेय को, है ना, उनको चित्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आगे कि अकुशान देवकुला वॉज फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ, ठीक है, यानी जो कुषाण देवकुला मिला वो किसके आसपास, किस क्षेत्र में मिला था? तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मथुरा में मिला था कुषाण का देवकुला, ठीक है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी निम्नलिखित में से किन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विम कडफिसस ने, कुषाण वंश के विम कडफिसस ने जारी किया था। नेक्स्ट है, हु सैड रोम इज विंग ड्रैंड ऑफ इट्स ट्रेजर बाय ट्रेडिंग विथ इंडिया, यानी किसने कहा था कि जब भारत से जो भारत और रोम का जो व्यापार हो रहा है तो उससे रोम जो है खाली हो रहा है? तो ये बात जो है, ये बात आपका प्लिनी ने कहा था, ठीक है, प्लिनी ने। नेक्स्ट है, पिल्ली ने बोला था इन विच, नेक्स्ट है कि इन विच रॉयल फैमिली द मैन यूजली फॉलोड द ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड वुमेन वर बुद्धिस्ट, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वो शासक फैमिली था, ठीक है, जो जिसमें मैन जो होते थे, जो आदमी लोग होते थे, वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे और महिला जो होती थी वो बुद्ध धर्म को फॉलो करती थी। तो ये आपके आंसर हो गए इक्ष्वाकुश, ये लोग करते थे ऐसा। नेक्स्ट है, इन विच इंस्क्रिप्शन इज इट मैंशन दैट पुष्यमित्र हैड परफॉर्म टू हॉर्सेस सेक्रीफाइसेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जिसमें इस बात का विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र सुंग के द्वारा दो घोड़े को जो है बलि दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 92 का आपका आंसर हो गया बी, यानी अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धन देवा, ठीक है, यानी
धनदेवा का जो है अयोध्या अभिलेख है धनदेवा का, उसमें ऐसा मिलता है कि पुष्यमित्र सिंह जो है दो घोड़े का बलि दिए थे। नेक्स्ट है, रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉर द टाइटल देवपुत्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन से शासक हैं जिनके वंश को था कि जन्म से ही देवपुत्र का वो टाइटल लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके थे कुषाण वंश। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्वाहना किंग टू इंट्रोड्यूस द रूलर्स हेड ऑन कॉइंस। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सत्वाहन था, है ना, जिसका पहला सत्वाहन राजा था जिसको उसके शासक को क्या किया गया कि कॉइन्स पे, सिक्कों पे जो है उसके सर को वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे चित्रित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 94 का आपका आंसर हो जाएगा गौतमीपुर सत्कर्णी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फ्लोइंग इज क्रेडिटेड टू हैव परफॉर्म 4 अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किस राजा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है 4 बार परफॉर्म किया, 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है। तो 95 का आंसर हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, उन्होंने जो है 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ बीन कॉल्ड यवन प्रिय। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम है, कौन सी वस्तु है जिसे यवन प्रिय के नाम से पहले बुलाया जाता था। तो 96 का आंसर है इंडियन पेपर, यानी कि क्या इंडियन पेपर मतलब हो गया काली मिर्च। चलिए अब हम देखेंगे 97 नंबर है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैव बीन मेंशन एज प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसमें विवरण मिलता है कि वो वर्ण सिस्टम का जो था उसके जो है वो संरक्षक थे, तो वो रक्षक कौन थे 97 का। तो 97 का आपका आंसर हो गया पुष्यमित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ड्यूरिंग सका सत्वाहना पीरियड वाज। यानी कि सक सत्वाहन जो कार्य काल था उस समय में गोल्ड और सिल्वर का क्या रेशियो था। ठीक है, क्या अनुपात होता था, तो गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड आपका जो हो गया 1 और वहीं सिल्वर 35 का ये होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द सत्वाहना रूल कटका मीन्स, यानी सत्वाहन वंश के दौरान जो सत्वाहन शासक के दौरान कटक का मतलब क्या होता था। तो कटक के मतलब आप कटक का मतलब जो होता था मिलिट्री कैंप्स एंड सेटलमेंट, यानी सेना का जो कैंप होता है और उसका जो सेटलमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर्क्योलॉजिकल रिमेन्स ऑफ अ रोमन कॉलोनी हैव बीन डिस्कवर्ड। यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्लेस है जहाँ आर्क्योलॉजी का क्या है कि रोमन कॉलोनी वहाँ पे खोज निकाला गया आर्क्योलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो 100 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी अरिक मेडू। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बाटक डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन बाटक वंश के संस्थापक हैं, तो बाटक वंश के संस्थापक जो आपके हैं वो है विंध्य शक्ति। वकाटक वंश के जो संस्थापक हैं वो है विंध्य शक्ति। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ छेदी डायनेस्टी। छेदी वंश के संस्थापक कौन है, तो छेदी वंश के संस्थापक कौन है, तो छेदी वंश के आपके संस्थापक हो गए महामेघ बाहना। ठीक है, महामेघ बाहन जो है वो छेदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ महाभाष्य पतंजलि वाज अ कंटेम्प्ररी ऑफ, है ना, यानी जो पतंजलि है तो वो किसके, जो राइटर है महाभाष्य पतंजलि का, तो वो जो है किसके समकालीन थे, तो ये आपके समकालीन हो गए पुष्यमित्र सिंह के समय थे ये। ठीक है, जिन्होंने पतंजलि लिखा है महाभाष्य ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द टाइम ऑफ कनिष्का इंडिकेट्स दैट हिज एम्पायर वाज एक्सटेंडेड अप टू द चंपा इन द ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो ये बताता है कि कनिष्क का जब काल था तो उस समय में उसका जो साम्राज्य था वो चांपा से लेके, ठीक है, बहुत विस्तृत था और वो पूर्व के चांपा तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 104 का आंसर हो गया आपका सी, यानी रेवातक इंस्क्रिप्शन, यानी रेवातक अभिलेख। द फिगर ऑफ बुद्धा इज इनग्रेव्ड ऑन द कॉइंस ऑफ, ठीक है, यानी बुद्ध भगवान का जो चित्र था वो कॉइंस पे चित्रित किया गया था, सिक्कों पे चित्रित किया गया था भगवान बुद्ध का फिगर, तो वो किसने करवाया था,
तो 105 का आपका आंसर हो गया कनिष्क, कनिष्क ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द सुंग रूलर अग्निमित्र वॉज द हीरो ऑफ अ बुक रिटन बाय, ठीक है, जो सुंग शासक थे अग्निमित्रा, ठीक है, उनके द्वारा जो एक बुक लिखा गया था उसमें हीरो हीरो बताया गया था कि वो हेड है। तो 106 का आपका आंसर हो गया डी, कालिदासा, ठीक है। क्या है, बुक जो लिखा गया था उसमें बताया गया था कि अग्निमित्रा जो हेड है सुंग शासक के समय में, तो वो किन्होंने लिखा था, वो कालिदास ने लिखा था। हु वॉज द ऑथर ऑफ सेतुबंध, सेतुबंध के लेखक कौन है, तो सेतुबंध के लेखक आपके हैं रुद्रसेन। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इंट्रोड्यूस द कंबाइंड रूलिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वंश है जिन्होंने कंबाइंड रूलिंग सिस्टम को जो है सबके सामने परिचय दिया, यानी संयुक्त तो शासन प्रणाली। तो ये आपका 108 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सका, यानी शक ने जो है संयुक्त शासन प्रणाली का पहली बार परिचय दिया, पेश किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन जो सतवाहन वंश के साथ संस्थापक कौन थे, तो सतवाहन वंश के संस्थापक आपके हो गए सिमुका, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, यानी निम्नलिखित में से सतवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो इसके आंसर हो गए आपके गौतमीपुत्र सत्यकर्णी। नेक्स्ट है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी, निम्नलिखित में से सुंग वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे, ठीक है, तो ये आपके हो गए देवभूति। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रिलेटेड टू मैक्सिमम प्योर गोल्ड कॉइन्स, निम्नलिखित में से कौन सा वंश है जो सबसे ज़्यादा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुषाण वंश है। नेक्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट वाज इनिशिएटेड बाय, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों को और बुद्धिस्ट को, है ना, बौद्धों को और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया था, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो 113 इज द आंसर इज बी, सत्यवाहन, ठीक है, सत्यवाहन का हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सर्कुलेटेड द लीड कॉइन्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वंश है जो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी करे थे, ओके, तो ये आपके हैं सत्यवाहन। चलिए नेक्स्ट है, हु वॉज रुद्रदामन फर्स्ट, ठीक है, ओके, हु वॉज रुद्रदामन फर्स्ट, तो रुद्रदामन प्रथम जो है कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम जो आपका है सका रूलर ऑफ उज्जैन, यानी शक शासक था, ठीक है, किसका, उज्जैन का शक शासक था, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज द राइटर ऑफ नानाघाटा इंस्क्रिप्शन, यानी निम्नलिखित में से नानाघाट अभिलेख का जो लेखक है वो कौन था, तो वो आपका आंसर हो गया ए, नागनिका, ओके। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू, नानाघाट अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो गया डी, यानी सत्कर्णी प्रथम, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी, यानी कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे वासुदेव। नेक्स्ट, आफ्टर द मौर्यास द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वाज, ठीक है, यानी निम्नलिखित में से मौर्य के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य किसका, दक्कन और मदेशिया में किसका था, तो 119 का आंसर हो जाएगा बी, सत्यवाहना, ओके। वन ऑफ द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सका रूलर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरिगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र, निम्नलिखित में से कौन सा शक शासक है जिन्होंने सिंचाई के लिए, जो सिंचाई का कार्य सौराष्ट्र में सिंचाई का कार्य सबसे पहले स्टार्ट किया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा करवाया था, तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रुद्रदामन, ओके। नेक्स्ट है, द ओनली रूलर ऑफ इंडिया हु रूल्ड ओवर टेरिटोरीज इन सेंट्रल एशिया बियॉन्ड द पामीर वाज, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शासक है जिन्होंने शासन किया किस पे, पामीर से परे मध्य एशिया में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ए, कनिष्क। नेक्स्ट,
गोंडोफेरेंस बिलोंग टू, ठीक है, यानी गोंडोफेरेंस जो है वो किससे संबंधित था? तो गोंडोफेरेंस आपका जो हो गया पार्थियन था, ठीक है, तो द पार्थियन डायनेस्टी यानी पार्थियन वंश से संबंधित था। फिर है गथा सप्तसती वॉज रिटन बाय, गथा सप्तसती किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका हाल के द्वारा लिखा गया था। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।